करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं यूपी के संत कबीर नगर का एक ऐसा गांव है जहां 8 सालों में भी विकास नहीं पहुंच पाया। आलम यह है कि ग्रामीणों को सरकार की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। तस्वीरों में जो कुछ देख रहे हैं, दरअसल यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के सिमरविया विकास खंड के बडेला ग्राम पंचायत का है, जहां लगभग 8 साल बीतने को है, लेकिन ग्रामीणों को अब तक सरकार की एक भी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाई है। दरअसल वजह यह है कि 2011 की जनगणना में गांव का नामांकन जनगणना से छोड़ दिया गया, जिसका खामियाजा आज भी ग्रामीण भुगत रहे हैं। हालांकि नामांकन दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों ने अनेकों बार अधिकारी और तहसील के चक्कर लगाए हैं, लेकिन ग्रामीणों को मात्र 8 सालों में आश्वासन मिल रहा है और ग्रामीण सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठने लगा कि 9 साल पूर्व जिम्मेदारी की कोताही के चलते आखिर ग्रामीणों को उनके हक की योजनाएं पर कब तक पानी फेरा जाएगा। पूरे मामले पर CDO बब्बन उपाध्याय का कहना है कि शासन ने पत्राचार किया जा रहा है, दरअसल यह मामला केंद्र सरकार से संबंधित है, इसलिए विलंब हो रहा है। गांव बड़ेला है, मेवालाल हमारा नाम है। क्या समस्या है गाँव में? समस्या साहब है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे लिए देख रहे हैं कि बहुत गाँव में तमाम प्रकार की सुविधाएं मिले हुए हैं, हमारे गांव में किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, ना लैटरिन रूम मिला है, ना आवास मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी मजदूरी करके खा जी रहे हैं, फिर भी परेशानी है, परिवार लंबी है, जगह जमीन बहुत कम है। जब सरकार हमें कोई व्यवस्था देगी, हमारे लिए गरीबों की सुनेगी, तब तो हम कुछ लायक बन पाएंगे। बड़ेला गाँव हमारे जो सर्वे हुआ था, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार और जो पीपीएल के उसमें लिस्ट बनाए गए थे, जो सेक डाटा जिसमें निकाला गया था, जो आवास विहीनों का आवास या हमारी सरकारी जितनी योजनाएं हैं उस संबंध में जितनी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का सूची बनाया गया था, उसमें सभी गांव प्रदर्शित हो रहे हैं, एक गाँव बड़ेला जो है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने लिखित रूप से भी पत्र प्रदेश सरकार को दे दिया है और मौखिक रूप से हम लोग निरंतर प्रयास में हैं और उस गांव को नक्शे पर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दरअसल वो भारत सरकार से होना है और वहां से भारत सरकार को भी डिमांड चला गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस गांव को लिस्ट में सम्मिलित करें। सर, क्या सर मानते हैं कि लिस्ट में नाम ना शो ना करने के कारण कहीं ना कहीं विकास में बाधाएँ होती हैं? बिल्कुल बाधा होती है, जब उस गाँव के लाभार्थियों का नाम ही चयन सूची में नहीं रहती है तो बाधा तो होना ही होना है। उस गाँव के पात्र लाभार्थी छूट जाएंगे क्योंकि उनका न उनका आईडी हम जनरेट कर सकते हैं, न उनका हम सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं, जिसके कारण वहाँ के लाभार्थी प्रभावित हो रहे हैं और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उस गाँव को सम्मिलित कर रहे हैं। हाँ सर, हमारे गाँव बड़ेला हो, सिमरियावा ब्लॉक हो, सरकारी काम कोनो हम लोग के लाभ नहीं मिलत बा। कहते हैं कि बड़ेला सो नहीं देते, इसी के लिए हम लोग कुछ नहीं पाते हैं और उसके बाद जान आवाज करते हैं कागज अप्लीकेशन डाले। तो आज अभी लोग आप लोगों ने अप्लीकेशन दिया, क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारी कहते हैं हो जाए, समस्या यह बा कि हमें गांव में कुछ नहीं होता बा, न शौचालय मिला है, न का बोला था आवास मिला बा, न रास्ता मिला बा, न नाली का पानी बह रहा है, यह कुछ नहीं लाभ। हमारे गांव में यह प्रधान कहा ना कि का बोला ला कौनो चीज नहीं मिलत बा, न आवास मिलत बा, न तो नाली बनल बा, न कौनो चीज आवे, हमने कौनो लाभ नहीं पाए।